तो आज हमारा ये 12th फिजिक्स के ऑप्टिक्स का एक नया टॉपिक है मिराज। मिराज दोस्तों ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, इसका मीनिंग होता है इंग्लिश में वंडर एट, मतलब ये इसकी मीनिंग होती है आश्चर्यजनक बातें। ये एक तरह का मैजिक जैसे है, जादू जैसे होता है मिराज, मतलब जो चीज जैसा होता है वैसा हमें नहीं दिखता, उसके जस्ट अपोजिट दिखता है। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट अपोजिट नहीं होता, पर हमें फील होता है अपोजिट। तो जो मिराज है दोस्तों ये एक नेचुरली फिनोमिना है, ऑप्टिकल फिनोमिना है, नेचुरली फिनोमिना है। हम जानते हैं कि ऐसा होता नहीं है, पर हमें फील होता है कि ऐसा ही होता है। और ये दोस्तों होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फिनोमिना होती है, इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट का इमेज उल्टा बनता है। दोस्तों ये जो मिराज है ये हॉट डे में होता है, गर्म दिनों में होता है, समर डेज में होता है, और दोस्तों ये डिजर्ट्स में होता है, रेगिस्तान में होता है, ऐसा समर डेज में होता है। इसमें कोई पेड़ है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो हमें इन्वर्टेड फील होता है, उल्टा दिखता है, और ऐसा लगता है कि जैसे वह पेड़ किसी तालाब के किनारे है, पॉन्ड्स ऑफ वाटर, वाटर का बहुत बड़ा जो एक भंडार है जिसे हम तालाब बोलते हैं, तो ऐसा लगता है तालाब के किनारे वो पेड़ है, वो ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, वहीं पे वो है। दोस्तों ये हमने आपको बताया कि ये समर डेज में होता है, लेकिन इसकी एक और है प्रॉपर्टी के इसमें ग्राउंड तो हॉट होना चाहिए, लेकिन जो एयर है वो कूल होना चाहिए। एयर कैसा होना चाहिए दोस्तों? कूल होना चाहिए। अब जो एयर ग्राउंड के पास में होगी वो एयर नो डाउट ज्यादा हॉट होगी और उसकी डेंसिटी कम होगी, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, अर्थ से ऊपर जाएंगे स्काई की ओर, जो एयर है, एयर की जो डेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी, वो डेंसर की तरह बिहेव करेगा। ग्राउंड के पास उसकी डेंसिटी कम होगी, वो रेयरर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ग्राउंड के कारण वो भी एयर भी हॉट हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर जाएंगे एयर की जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा, मतलब वो कूल होता जाएगा, और इस तरह से जैसे हम ऊपर जाएंगे वो डेंसर की तरह बिहेव करेगा, अर्थ की तरफ आएंगे तो रेयर की तरह बिहेव करेगा, और जो अर्थ सरफेस के पास एयर का लेयर होगा वो बहुत ज्यादा गर्म होगा। तो दोस्तों हम देखते हैं ये आपका डायग्राम है, ये हमने मान लिया एक लेवल है, यहां पे अर्थ की डिफरेंट लेयर है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट से जब लाइट मूव करेंगी तो चूंकि यहां पे जैसे ये एयर है तो ग्राउंड के पास इस एयर की डेंसिटी कम होगी, मतलब ये रेयर की तरह बिहेव करेगा, ये डेंसर की तरह बिहेव करेगा, इससे अधिक डेंसर ये होगा, इससे अधिक डेंसर ये होगा। जैसे ऊपर जाएंगे रेयर की डेंसिटी या रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा, तो जब ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट से लाइट इंसिडेंट होगी तो वो डेंसर से रेयर की ओर जाएगा, और जैसे वो डेंसर से रेयर की ओर जाएगा तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब लाइट डेंसर से रेयर की ओर जाएगा तो रिफ्रेक्शन के बाद नॉर्मल से दूर चला जाता है, फॉर अवे। जैसे फिर से रिपीट करता हूं कि जब लाइट डेंसर से रेयर की ओर जाता है तो लाइट नॉर्मल की ओर तो झुकता है लेकिन दूर की ओर झुकता है। तो दोस्तों इस तरह से ये लाइट यहां पे इंसिडेंट होगी, जैसे जैसे नीचे आएगा रेयर मीडियम होता जाएगा, और रेयर से जब डेंसर से जब रेयर मीडियम में लाइट चलती है तो यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी फॉलो होती है। अगर ये इंसिडेंट लाइट का जो इंसिडेंट एंगल है, अगर यहां पे हम ऐसे नॉर्मल ड्रा करें तो अगर ये इंसिडेंट एंगल है, अगर ये इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी हो जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब जो लाइट यहां से इंसिडेंट हो रही है ग्राउंड से वो टोटल रिफ्लेक्ट हो जाएगी,
और यहाँ ऑब्जर्वर के आई लेंस के पास या किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के पास, डिवाइस के पास, वो पूरा का पूरा कंप्लीट लाइट उसके पास पहुंचेगा और वो लाइट ये फील होगा कि ये लाइट पॉइंट आई से आ रहा है, आएगा वो पॉइंट से, लेकिन ऑब्जर्वर को ये लाइट जो उसके तरफ लाइट इंटर हो रही है, जा रही है, वो लाइट उसको फील होगा कि ये लाइट आई से होगा आ रहा है। और इस तरह से जो ऑब्जेक्ट का जो पॉइंट ऊपर की ओर बन रहा है वो इमेज बनेगा नीचे की ओर, और इस तरह से उसका इमेज कैसे बन जाएगा दोस्तों, अपोजिट बन जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो मिराज है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है, और इसके लिए कंडीशन है कि लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, इसमें रिफ्रेक्शन की भी प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि जब एक लेयर से लाइट एयर के एक लेयर से एयर के दूसरे लेयर में जब मूव करेगा तो वहां पे रिफ्रेक्शन की प्रॉपर्टी होगी, जब ग्राउंड के पास जाएगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी होगी। तो दोस्तों इस तरह से हम देखते हैं कि ऑब्जर्वर को एक इन्वर्टेड इमेज फील होता है ऑब्जेक्ट का, एक्चुअल में इन्वर्टेड इमेज इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन जो उसका इमेज बनता है वो इन्वर्टेड बनता है, और ऑब्जर्वर को ऐसे फील होता है कि जैसे वह ऑब्जेक्ट किसी तालाब के किनारे पॉन्ड ऑफ वाटर बैंक ऑफ पॉन्ड ऑफ वाटर के पास में वो है, उसको ऐसे फील होता है, जो कि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, वहां पे एक्चुअल में वाटर नहीं होता लेकिन उसको वाटर होने का फील होता है। तो ये मिराज की प्रॉपर्टी है दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थैंक यू।